म्यू अस्पताल के मुर्दाखाने में लावारिस लाशों की तादाद बढ़ने लगी। एक माह के दौरान लावारिस लाशों की तादाद 15 हो गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन विंग लाशों की शराख्त करने में नाकाम है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज अरसलान हैदर से। अरसलान बताइएगा, शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मिलने वाली जो लावारिस लाशें हैं जिन्हें मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर या तो कत्ल कर दिए जाते हैं या टिकटी मजामत पर कत्ल करने के बाद फेंक दिए जाते हैं जिनकी शनाख्त नहीं हो पाती, तो उनको जो है वो मुर्दाखाने जमा करा दिया जाता है। तो इस वक्त एक माह के दौरान न्यू अस्पताल मुर्दाखाने में 15 जो लाशों की जो तादाद है वो 15 हो चुकी है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो इस वक्त उसने चुप साथ लिया है और 15 लाशों की जो है वो शनाख्त नहीं हो सकी। थाना लिटन रोड और मजंग से 3-3, मिश्री शाह, इस्लामपुरा, मनावा, किला गुजर सिंह, थाना शालीमार, थाना दादा दरबार और गड़ी शाह से 1-1, जबकि लारी अड्डा से 2 लावारिस लाशें जो थी वो इस माह में बरामद हुई। तो उसके बाद पुलिस ने तमाम अपराध की हिलाकत की जो तफ्तीश जो थी वो ना कर सकी और ना ही इनकी कोई शनाख्त हो सकी और इस वक्त जो है वो म्यू अस्पताल मुर्दाखाने में इनकी जो है तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से मुर्दाखाने इंतजामिया को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा है और मुर्दाखाने में तापुन भी फैलने लगा। जी बहुत शुक्रिया आपका सलाम हैदर, तफसलात से आगाह करने के लिए।